गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या गुड इवनिंग सर। हाँ आपको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन सर, पे पावर पॉइंट दिख रहा है आपको बेटा? यस सर। ओके गुड। तो सबसे पहले अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग योर करियर सेमिनार प्रोग्राम। मैंने आप सबको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करके बोलने का, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कुछ आपको बोलना है तभी अनम्यूट करिएगा, नहीं तो अगर बैकग्राउंड में बहुत आवाज रहेगा तो सबको डिस्टर्बेंस हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैट बॉक्स में आपका नाम और साथ में नंबर अगर लिख लें तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन रहेगा कि किन किन बच्चों ने आज का सेशन अटेंड किया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट चैट बॉक्स में आपका नाम और मोबाइल नंबर साथ में लिखिएगा, ये सिर्फ मेरे पास आएगा, ग्रुप में किसी के पास नहीं जाएगा। तो इफ़ यू कैन डू दैट क्विकली प्लीज, आपका नाम लिखिए और मोबाइल नंबर लिख लीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। फिर हम स्टार्ट करते हैं एक ही मिनट में, सब लोग जरा लिख लें। ओके, सो थैंक यू फॉर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। दूसरी एक बात, आपने काफी सारे ऐसे ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर लिए होंगे एंड ऑल ऑफ अस आर इन दिस शेप, ऑनलाइन 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 काफी टाइम से हो गया है। सो आई विल ट्राई एंड मेक दिस एज इंटरेस्टिंग एंड एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। आपको मैं जब भी कुछ समझा रहा हूँ, आपको कुछ भी पूछना है तो बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हैं। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ का तो मैं दे दूंगा, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गिव मी 2-3 डेज, आई विल गेट द इन्फॉर्मेशन एंड देन पास ऑन टू यू। तो आप कभी भी अनम्यूट करके बीच में बोल सकते हैं, बट अगर नहीं बोलना है म्यूट मत करिए। इसका भी અત્યારે મેં તમને લિંક મોકલી છે, કોમર્સ નું વેબિનાર ચાલુ થઈ ગયું છે, તમને જોઈન કરવું હોય તો। હા જી, તમે મ્યુટ કરી લો તમને। હા કોઈક નો અનમ્યુટેડ છે, ઇફ યુ કેન મ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ। ઓકે, કાફી જન ગુજરાતી હે पर काफी जन नॉन गुजराती भी हैं, इसीलिए मैं पूरा सेमिनार हिंदी में ही लूंगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। विधि मेहता, आपने अनम्यूट करके रखा है बेटा, अभी मैंने म्यूट कर दिया है आपको, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखिए बेटा। ओके, तो मैं मेरा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मेरा नाम है सपन परिक। एकेडमिकली मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम पास किया है, मैंने सारी एग्जाम सीए की फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दी थी 1996 में, और तभी मेरी उम्र 23 इयर्स की थी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नरसी मोंजी कॉलेज विलेपार्ला। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के पहले एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटेंट का डिग्री ले लिया था, CMA, और वो मैंने 1995 में लिया था।
फिर अभी थोड़े साल पहले ही मैंने एम कॉम किया, बिकॉज मैंने पहले से डिसाइड किया था, तो वैसे जरूरत तो नहीं था 2 डिग्री आने के बाद, बट फिर भी बिकॉज आई हैड थॉट, तो मैंने एम कॉम का भी एग्जाम दिया अभी थोड़े ही साल पहले। और कोइंसिडेंटली ऐसा भी हुआ था कि मेरी स्टूडेंट और मैं, हम दोनों आगे पीछे एग्जाम दे रहे थे, सो दैट वाज वेरी फनी मोमेंट फॉर मी। मैं 20 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और पढ़ाना ये मेरा पैशन है। मैं अगर दिन के 8-10 घंटे के भी लेक्चर लेता हूँ तो दिन के एंड में भी मेरे को थकान महसूस नहीं होती है। काफी टाइम मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर आपके पास दो दो डिग्री है तो आप कहीं कॉरपोरेट में जॉब क्यों नहीं करते हैं, ये गधा मजूरी का काम टीचिंग में क्यों करते हैं। तो ज्यादा तो फिलोसॉफिकल बात उनको नहीं बोलता हूं मैं, बट आई ओनली टेल देम दैट आई लव डूइंग दिस एंड देयरफॉर आई एम डूइंग इट। सो आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर, बहुत मुझे मजा आता है बच्चों को पढ़ाना, और मजे की बात यह है कि बच्चे सुनते भी हैं। आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी विथ नरसी मोंजी कॉलेज एंड मिठीबाई कॉलेज, दोनों में मैं उनके डिग्री सेक्शन में बीकॉम ऑनर्स करके एक नया प्रोग्राम दोनों कॉलेज में स्टार्ट हुआ है 2 साल से, तो वहां पे मैं अकाउंट्स और इनकम टैक्स के सब्जेक्ट उनको बच्चों को पढ़ाता हूँ डिग्री कॉलेज में। और मेरा ग्रुप ट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी है, जो मैं कांदिवली में बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर CA CMA और CS के बच्चों को स्मॉल ग्रुप ऑफ 15 to 20 स्टूडेंट्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ कांदिवली। तो दिस इज अबाउट मी। एंड आप ऐसे मान सकते हैं कॉमर्स के बारे में काफी कुछ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं जो कि आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं। हम आज यहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं, व्हाई हैव वी गैदर्ड हियर, कोई आंसर देना चाहेगा? इंटरैक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा, पेरेंट्स भी जवाब दे सकते हैं, वैसे बच्चे भी दे सकते हैं जिनको देना है। हम इधर आज क्यों जमा हुए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। टू नो अबाउट कॉमर्स, टू नो अबाउट कॉमर्स, क्या क्या कॉमर्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं आपको, ओके। फॉर करियर गाइडेंस किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, टू डिस्कस अबाउट कॉमर्स स्ट्रीम, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, आर वी क्लियर अबाउट अवर इंटरेस्ट? तो हम सबने थ्री इडियट्स पिक्चर तो देख लिया है ना, अभी थ्री इडियट्स पिक्चर तो हमें बहुत पसंद आया और हमने अप्रिशिएट भी किया कि हाँ ये तो सच बात है यार कि हमको जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना वही करना चाहिए लाइफ में, है ना, जिस चीज में इंटरेस्ट हो वही लाइफ में करना चाहिए। बट मैं कहूँ वो पिक्चर तो काफी, ऑफ कोर्स वो पिक्चर था, फैक्ट नहीं था, बट फिर भी इंटरेस्ट है ये क्लियर है अगर, तो वो मेजॉरिटी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि हम ये तो क्लियर है कि हमको इसमें इंटरेस्ट है। मोर ऑफन देन नॉट सारे पेरेंट और बच्चे शायद यहीं पे स्ट्रगल करते हैं कि इस एज पे अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, एम आई राइट? है ना, वी आर नॉट येट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज माय रियल इंटरेस्ट, सो दैट्स अ क्वेश्चन अगेन, नॉट एन आंसर। हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि करियर बनाने के लिए स्टडीज बहुत काम का है। इज दैट द कोरिलेशन दैट वी हैव मेड कि स्टडीज और करियर ये दोनों रिलेटेड हैं, हमारे लिए क्या एग्जिस्ट करता है, इज दैट फैक्ट या ना? कुछ क्वेश्चंस लिखे, आंसर तो आपको खुद को ढूंढना है। और एक सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक लिखा है कि हम जिस दुनिया में आजकल रहते हैं वो काफी एवर चेंजिंग और डायनामिक है। हमारे टीचर फैकल्टी की अगर बात करें तो लास्ट ईयर मार्च महीने के पहले अगर
अगर किसी भी टीचर को कहा जाए कि आप ऑनलाइन क्लास लीजिए या यूट्यूब पे कोई वीडियो आपका रिकॉर्ड करिए, तो कोई भी टीचर हाँ नहीं कहेगा। और अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे टीचर ये टेक्नोलॉजी से इतने जुड़ गए हैं कि अभी सबको एकदम फ्रेंडली हो गया। तो हमारा जो इफ आई टेल अबाउट कोचिंग इंडस्ट्री, लास्ट ईयर जैसा था और अभी जो है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। काफी सारे जन जो इससे कोप अप नहीं कर पाए, दे हैड टू फोर्सिबली चेंज देयर प्रोफेशन आफ्टर सो मेनी इयर्स। इतने साल ये फील्ड में होने के बावजूद भी उनको अपना जो प्रोफेशन है वो अभी चेंज करना पड़ा इतने सालों के बाद। तो हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है वो काफी डायनामिक है और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। लेट्स चेक अवर थॉट प्रोसेस, अवर मतलब एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट, हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें फिट हो गई हैं, जरा देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहला ये शायद हमारे दिमाग में घुस गया, दिस इज माई परसेप्शन, ओके आई मे बी रॉन्ग, द डिग्री विल अर्न मनी। डू यू अग्री पेरेंट्स, कैन यू टेल मी कन्फर्म यस नो, कि अगर डिग्री होगा तो पैसे मिलेंगे? यस सर। यस? नो सर। नो? मार्क्स, ये सेकंड थॉट प्रोसेस है, मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मतलब मार्क्स नहीं होगा तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो आगे फिर करियर में प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे, अच्छा डिग्री नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो लास्ट वाला मैंने ऐड किया, अभी ये थॉट प्रोसेस नहीं है। और मैंने क्या ऐड किया है, जो लोग भी अभी जो भी पेरेंट्स अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं, आई एम श्योर उनका ये एक्सपीरियंस होगा कि पढ़ाई में कुछ सीखा था हमने और रियल लाइफ जो है वो कहीं और ही है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। ऐसे भी कुछ पेरेंट होंगे जिन्होंने पढ़ा है कुछ और अभी जॉब कुछ और ही कर रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया ऐड आता था, monster.com करके कंपनी था जिसका ऐड आता था, जहाँ पे एक बंदा था ऐसे फुल्ली पैडेड, मतलब वो क्रिकेट का शौकीन था तो हेलमेट ग्लव्स पैड्स वगैरह पहन के रेडी था, हाथ में बैट था, पर वो काम करता था धोबी का। मतलब सीखा है कुछ, इंटरेस्ट है कुछ, हॉबी कुछ है और कर कुछ और ही रहा है। हमारी एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हमारी एजुकेशन सिस्टम मेमोरी को टेस्ट करती है। अगर किसी बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में 90 के ऊपर परसेंटेज आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है ना। आई डोंट वांट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द चाइल्ड, गेटिंग 90% 95% इज ब्रिलियंट ऑसम, बट हमें ये जानना जरूरी है कि ये मेमोरी का टेस्ट है, वो एप्लीकेशन का टेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक काफी सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा ऐसे प्रोग्राम में देता हूं कि अगर मैं एक कार चलाने वाली ड्राइविंग स्कूल का टीचर हूं और मैंने इधर ये चार दीवार में बच्चों को कार के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया कि बेटा इसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, बेटा इसको ब्रेक बोलते हैं, इसको स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं, इसको इग्निशन बोलते हैं, इसको क्लच बोलते हैं, सब समझाया मैंने। और वो समझाने के बाद उनकी 100 मार्क्स की एग्जाम ले ली और एग्जाम में उनको 95 मार्क्स आ गए, सब राइट लिखा है, बराबर 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 टिक हो गया। और 95 मार्क्स का मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया, मार्कशीट दिया और उसके साथ साथ उनको हाथ में चाबी दिया कार का कि बेटा अभी बाहर कार खड़ी है, ऑडी खड़ी है बाहर, आपको चलानी है बेटा वो। अभी वो 95% वाला चला पाएगा क्या? नो सर। नहीं सर, कोई भी नहीं चला पाएगा। इसीलिए नहीं चला पाएगा क्योंकि वो 95 में उसने कार चलाना नहीं सीखा है, कार के बारे में थोड़ी जानकारी उसको मिली है और वो 95 आया है, इसका मतलब है कि उसकी मेमोरी शार्प। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर हमारी मेमोरी को टेस्ट करते हैं।
वेर एज रियल लाइफ में क्या चाहिए होता है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन चाहिए होता है. एप्लीकेशन का मतलब जो हम सीखे हैं उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कितनी अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा करियर डिसाइड होता है. वेर एज हम करियर का डिसीजन लेते हैं किस बेसिस पे, जो मेमोरी से पता चला है उस बेसिस पे करियर का डिसीजन लेते हैं. वेर एज करियर का डिसीजन तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए. तो आई विल टॉक अबाउट दिस फर्दर. इज दिस अ राइट क्वेश्चन फॉर एवरी पेरेंट? तो पेरेंट्स आपके पूछते हैं कि सर ये फील्ड में स्कोप है क्या, ऐसा सवाल पूछा जाता है. अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रोसरी की दुकान में स्कोप है क्या, तो शायद बहुत सारे पेरेंट मना भी, ग्रोसरी का दुकान उसमें स्कोप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. पर फिर डीमार्ट क्या है, हाइपर सिटी क्या है, तो स्कोप कहाँ है? अगर ये सवाल पूछते हैं तो स्कोप हर फील्ड में है. अगेन एक एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं कोच है, कोच क्रिकेट कोच है, क्रिकेट सिखाता हूं बच्चों को, अगर और कोई पेरेंट अगर मेरे पास आया और मुझे पूछता है कि क्रिकेट में स्कोप है क्या, तो व्हाट शुड बी माय आंसर? So if I am a coach, my answer would be क्रिकेट में तो बहुत स्कोप है. आपके बेटे का है कि नहीं वो आप देखिए. You get what I'm saying? Scope is there in every field. Every field, कोई भी field ले लीजिए, scope है उसमें. अब उसमें हम कितना आगे जा सकते हैं वो तो individualistic है. तो स्कोप हर फील्ड में होता है. आप कॉमर्स के या साइंस के या आर्ट्स की किसी भी फील्ड के बारे में सोच लीजिए, स्कोप हर फील्ड में है. हम उसमें कितना एक्सेल करते हैं वो तो हमारे एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड पे, वे ऑफ लाइफ पे है. आगे जाता हूं. ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अभी हम आते हैं ऑप्शंस पे कि 10th के बाद, 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं. तो 10th के बाद तो फिर 11th और 12th है कॉमर्स में, और 12th के बाद बेसिकली आपको काफी सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, जिसके बारे में आपको सोचना है. तो 12th के बाद आप बैचलर यानी के 3 ईयर का जो डिग्री कोर्स है वो कर सकते हो, और उसके साथ साथ पैरेलली कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो. Now, when I say professional course, मतलब CA आ सकता है, कंपनी सेक्रेटरी आ सकता है, CMA आ सकता है. उसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा. तो बैचलर के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, बैचलर के साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, और बैचलर के साथ किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं. तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास 12th के बाद, और ये तीनों के बीच में एंड नहीं है, और है. मतलब या तो आप पहला चूज करिए, अथवा आप दूसरा चूज करिए, अथवा आप तीसरा चूज करिए. अच्छा, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये सब सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में यही सवाल है कि मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है, उसका जवाब आपको और आपके बेटे को देखना पड़ेगा. उसका जवाब एज अ कोच मैं नहीं दे सकता हूं, एज अ टीचर मैं नहीं दे सकता. मैं आपको ऑप्शंस सिर्फ बता सकता हूं. उस ऑप्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स दे सकता हूं. पर आप ये पूछें कि मैं ये चूज करूं कि ये चूज करूं, वो डिसीजन आपको इंडिपेंडेंटली लेना है. तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं उसके बीच में और है, बैचलर प्लस प्रोफेशनल, बैचलर प्लस वोकेशनल, और बैचलर प्लस गवर्नमेंट. मैं ना पहला वाला डिटेल में कवर करने वाला हूं, बैचलर प्लस प्रोफेशनल. बैचलर और वोकेशनल, बैचलर और गवर्नमेंट में डिटेल में क्लियर नहीं करने वाला हूं, कवर नहीं करने वाला हूं. क्यों मैं बताता हूं,
तो बैचलर प्लस वोकेशन अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, वोकेशनल मतलब से एग्जांपल किसी को फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, किसी को सलून वगैरह में इंटरेस्ट है, तो उसको ये मेरे सेमिनार की जरूरत नहीं है। उसने अभी से वो अपने लिए मन बना लिया होगा कि मैं इसी फील्ड में जाने वाला हूं, तो ही डजंट नीड दिस काइंड ऑफ अ सेमिनार, क्योंकि वो अपने ही वोकेशन पे आगे बढ़ने वाला है। किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, तो वो सब वोकेशंस में आ जाएंगे जिसको मैं इस सेमिनार में कवर नहीं कर। बैचलर प्लस गवर्नमेंट जॉब, अब काफी सारे गवर्नमेंट जॉब 12th के बाद होते हैं उनके एग्जाम्स, और काफी सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम डिग्री के बाद होती है। जो लोअर लेवल ऑफ जॉब्स होते हैं उसकी एग्जाम 12th के बाद होती है, जो क्लर्क लेवल की जॉब्स होते हैं, और जो ऑफिसर लेवल की जॉब्स होते हैं उनकी एग्जाम TY डिग्री कॉलेज खत्म होने के बाद होती है। अगर कोई भी सोच रहा है गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, ऑफिसर की एग्जाम्स भी देने के लिए अगर सोच रहा है, तो 12th के बाद ही एग्जाम देने का स्टार्ट करना चाहिए एज अ प्रैक्टिस। तो काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस खुले होते हैं। अगर आपको IAS भी बनना है तो उसकी भी एग्जाम डिग्री खत्म होने के बाद होती है। उसके लिए अभी से आपको एक मैगजीन आता है कॉल्ड कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, हर मैगजीन स्टॉल पे मिलता है, मंथली सब्सक्रिप्शन उसका ले लेना है। IAS अगर आपको बनना है, IPS, IFS, तो आपको TY मतलब डिग्री कॉलेज खत्म होने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जो एग्जाम UPSC लेता है, ठीक है। स्टेट में अगर आपको जाना है तो जो स्टेट होते हैं, हर एक स्टेट अपनी अपनी एग्जाम लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र में इट इज MPSC, ठीक है। तो ये हो गया बैचलर प्लस वोकेशनल और बैचलर प्लस गवर्नमेंट। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बैचलर प्लस प्रोफेशनल। एक सेकेंड ना जरा, तो अभी मैं डिटेल में जाता हूं बैचलर प्लस प्रोफेशनल में। वोकेशनल कोर्स मतलब जो मैंने बताया ना आपको, किसी एग्जांपल किसी को कोर्स करना है फैशन डिजाइनिंग का, किसी एक पर्टिकुलर वोकेशन मतलब जहां पे स्किल को हम यूज करते हैं उसको वोकेशन कहा जाता है। प्रोफेशन का मतलब जहां पे हम किसी डिग्री को यूज करके, किसी एक बॉडी ने एग्जाम लिया है, जैसे CA का एग्जाम है और वो एग्जाम पास करके, तो प्रोफेशन मतलब दिमाग का यूज होता है, वोकेशन मतलब स्किल का यूज होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं, मैं प्रोफेशनल पे इसके बाद आ रहा हूं, ये कोर्सेज हैं जो 12th के बाद कर सकते हैं, जो हम पहले आपके पेरेंट ने, मैंने खुद ने, हमने सब ने BCOM किया था, ये सारे 3 साल के बैचलर कोर्सेज हैं। तो ये ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, ये जो सब में B जो है ना वो बैचलर है, बैचलर मतलब डिग्री कोर्स है 3 साल का। अलग अलग कोर्सेज हैं, आपको चाहिए तो फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, मैं बोलते जाता हूँ। BCOM इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, फिर BMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मुंबई यूनिवर्सिटी में ये कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सेम कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी में अगर हो तो उन्होंने नाम रखा है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको ना मिनी MBA भी बोलते हैं, मिनी MBA। MBA एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद होता है 2 साल का। तो ये जो कोर्सेज हैं BMS या BBA, उसमें वही सब्जेक्ट सीखते हैं जो MBA में सीखने वाले हैं, 3 साल के लिए सीखते हैं, और थोड़ा जो लेवल ऑफ एग्जाम वगैरह होता है वो थोड़ा इजियर होता है एज कंपेयर टू MBA। तो मिनी MBA, जिसको MBA करना है आगे,
वो बीएमएस चाहे तो कर सकता है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमबीए करना है तो बीएमएस करना ही पड़ेगा, पर हाँ अगर एमबीए करना है और बीएमएस किया है तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। फिर बैफ, बैफ का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो जैसे नेम सजेस्ट करता है इसमें अकाउंट्स के सब्जेक्ट ज्यादा हैं, और इसको कह सकते हैं ये मिनी सीए है, मिनी सीए। सीए में जो सब्जेक्ट्स हैं वही सब्जेक्ट्स मोर ऑर लेस इसमें है, पर अगेन थोड़े से लोअर लेवल पे हैं। बीबीआई, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अच्छा मैं अभी चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं, तो अगर आप कुछ चैट में लिख रहे हैं ना, तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो वैसे, क्योंकि मैं बीच बीच में देखने वाला नहीं हूं। ओके, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये एक कोर्स है जहां पे बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। पेरेंट्स में और बच्चों में एक मिसकंसेप्शन है कि ये कोर्स करेंगे तो बैंक में जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक में जॉब लेने के लिए बैंक अलग अपनी एग्जाम्स लेती है जो आप ट्वेल्थ के बाद या टीवाई के बाद दे सकते हो, बट उनकी सेपरेट एग्जाम होती है और वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है एग्जाम, ठीक है। तो ये कोर्स करेंगे तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ मास मीडिया, तो इसमें अगर आपको जर्नलिज्म, फिर सोशल मीडिया वगैरह में, फिल्म मेकिंग वगैरह में जानकारी प्राप्त करनी है तो बीएमएम का कोर्स आप कर सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, बैचलर ऑफ मास मीडिया। फिर बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो ये पर्टिकुलर कोर्स आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो। फिर बीएससी आईटी, तो नॉर्मली तो ऐसा होता है ना, साइंस वाला बच्चा साइंस में जाता है, तो ये एक कोर्स ऐसा है जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है पर उसको साइंस नहीं लेना है, तो 11th 12th कॉमर्स करने के बाद वो बीएससी आईटी भी कर सकता है, जो कॉमर्स के बच्चों को अलाउड है वो कोर्स करना, और कंप्यूटर की जानकारी वो इस पर्टिकुलर रूट से ले सकता है। बीकॉम ऑनर्स, तो जैसे मैंने बताया मैं एनएम और मिठीबाई में पढ़ाता हूँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ाता हूँ बीकॉम ऑनर्स, तो जिसमें थोड़ा सा जो सिलेबस है वो टफ होता है, बीकॉम से हायर लेवल पे होता है, सीए से कम लेवल पे बीच में होता है, बीकॉम और सीए के बीच में बीकॉम ऑनर्स करके एक प्रोग्राम है। तो ये सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, एंड एज आई सेड ये सब के सब बैचलर कोर्सेज हैं 3 साल ट्वेल्थ के बाद। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, जैसे एनिमेशन में इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जर्नलिज्म में है, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल में है, टेलीविजन एंड मीडिया में है, और योगा में है, तो इसके भी अलग अलग कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी के हैं। मुझे ज़्यादा सबके बारे में जानकारी नहीं है, होटल मैनेजमेंट श्योर 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी, वो एग्जाम्स देने के बाद आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स मिल सकता है, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी टिल नाउ। कैन यू रीड बीबीआई फुल फॉर्म? बीबीआई इज बेटा बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। थैंक यू, वेलकम। अच्छा एक और बात, अगर आपको अकाउंट्स में, अकाउंट्स तो अभी आपने किया नहीं है, मे बी जिन्होंने आईसीएससी में भी 9th और 10th में किया होगा वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, तो अगर जिन बच्चों को थियरी सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है जनरली वो बच्चे बीबीआई लेते हैं, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसमें अकाउंट्स बहुत ही कम आता है, तो जिनको अकाउंट्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है वो बीबीआई लेते हैं, जिनको थियरी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो भी बीएमएस लेते हैं, उसमें थियरी सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, जिसको अकाउंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बैफ लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो बीकॉम है वो एडेड कोर्स है, एडेड कोर्स, एडेड कोर्स मतलब
वो उनकी फीस जो है टीचर्स लोगों का रेम्यूनरेशन गवर्नमेंट पे करती है, पर ये उसके नीचे वाले सारे कोर्सेज जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, तो उनका जो फीस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बीकॉम अगर एक साल का 4 या 5 हज़ार होगा तो ये सब का एक साल का 40-50 हज़ार के आसपास फीस होगा। तो बीकॉम बहुत ही सस्ता कोर्स है और ये सब में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। BSc IT मतलब? वो कंप्यूटर का कोर्स है। 12th के बाद आप BSc IT, 11th और 12th कॉमर्स में करने के बाद BSc IT कर सकते हो। तो ये BSc पे मत जाइए, बैचलर ऑफ साइंस ऐसा नहीं है, पर 11th 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हो। दैट्स अ कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू, वेलकम। पर इसमें से काफ़ी सारे कोर्सेज में, जैसे अभी ये BSc IT है, उसमें 11th और 12th में मैथ लेना ज़रूरी है। इनफैक्ट आगे मैं बताऊंगा, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आपको करना है, मैंने देखा है बच्चों को मैथ का फोबिया होता है, तो आपको मैथ 11th और 12th में लेना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, फेल होने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम देख लो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देखो, ऐसा एक भी एग्जाम आपको नहीं मिलेगा जिसमें मैथ्स ना हो। तो अगर मैथ्स से डर लगता है तो किसी अच्छे प्रोफेसर से मैथ का ट्यूशन लेके यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे भी आजकल तो बहुत कुछ फ्री में उपलब्ध है, तो अपना मैथ्स आपको पक्का करना चाहिए। मैथ से दुश्मनी अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म में, मैथ से प्यार मोहब्बत होनी चाहिए आपको। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, एनी प्रोफेशनल कोर्स दैट यू वांट टू डू, CA CS, चलो ठीक है, CS वालों ने अभी निकाल दिया है उसमें से, पर CA करो, CMA करो, MBA करो, BBA करो, कोई भी कोर्स करो आप, उसमें मैथ्स 11th और 12th में लेना कंपलसरी होता है, वरना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। तो पहला कोर्स है बैचलर प्लस CA, यानी 12th के बाद आप CA की पढ़ाई भी साथ साथ कर सकते हो, और अगर सब कुछ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो, अच्छा, CA CMA और CS मोर और लेस तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, थोड़ा सा अंतर है, मोर और लेस तीनों का जो स्ट्रक्चर है एग्जाम्स वगैरह का, सब्जेक्ट्स का, वो सब सेम है। तो पहला ऑप्शन है बैचलर प्लस CA कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है बैचलर प्लस CMA कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहले इसको कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते थे, अब इसका नाम इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है और उसका नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और तीसरा है बैचलर प्लस CS। इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्ट है, और वो एक्ट के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट है वो ये एग्जाम लेती है, तो ये बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और बहुत ही रेप्यूटेड कोर्सेज हैं तीनों के तीनों। अगर आप मुझे ऑर्डर पूछेंगे, सर आप प्रायोरिटी क्या दोगे, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, तो उसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मुझे कोई बच्चा पूछे कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, कौन सा करूँ सर आप बता दो, तो मैं पहली उंगली CA पे रखूंगा, सेकेंड CMA पे रखूंगा, थर्ड CS पे रखूंगा। अगेन, अगर बच्चे को थियोरी सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है, तो वो CS चूज कर सकता है। CS में बहुत सारे थियोरी रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, CA और CMA में बहुत ही अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं, तो ये एक चॉइस आपको, आप आपके इंटरेस्ट के बेस पे ले सकते हो। बैचलर प्लस प्रोफेशनल को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को लॉयर बनना है तो 12th के बाद, अगर उनको लॉयर बनना है तो 12th के बाद 5 साल का कोर्स होता है LLB का। 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है,
और वो एंट्रेंस एग्जाम से मेरिट बेस्ड आपको एडमिशंस मिलते हैं। बॉम्बे में एक कॉलेज है जो बहुत फेमस है, बॉम्बे के अलावा बाहर के भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो लॉ के लिए फेमस हैं। किसी को लॉ में स्पेशलाइजेशन करना है, मतलब लॉ में ही आगे बढ़ना है, तो 12th प्लस LLB का कोर्स 5 साल का काफ़ी अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं। लॉ का जो कोर्स है ना, उसमें जो भी लॉयर होते हैं आपको दो एक्सट्रीम पे मिलेंगे। आपको ऐसे भी लॉयर मिलेंगे जो कोर्ट के बाहर 100-100 रुपए के लिए आपके पीछे पड़ेंगे, और ऐसे भी लॉयर मिलेंगे जो 1 घंटे का 5 लाख रुपया चार्ज करते होंगे। तो लॉ एज ए डिग्री एक अलग बात है, और लॉ एज योर वे ऑफ लाइफ एक अलग बात है। तो जैसे पहले मैंने सवाल किया था, क्या लॉ में स्कोप है? लॉ में भरपूर स्कोप है, पर आप वो 100 रुपीज वाले हो जाएंगे या 5 लाख वाले, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। लॉ में भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सिविल लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉलिसिटर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो अगर 12th के बाद लॉ करना है तो 5 साल। दूसरी बात, लॉ प्लस CS ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, और अगर ये करना है तो मैं आपको एडवाइस करूं, पहले आप 12th करिए, साथ में साथ डिग्री के साथ साथ आप 3 साल का CS करिए, और CS हो जाने के बाद पार्ट टाइम LLB भी होता है 3 साल का। तो अगर किसी को करना है तो बैचलर प्लस 3 इयर्स LLB प्लस CS, यानी बैचलर के साथ पहले CS करने का और बाद में CS हो जाने के बाद LLB करने का। LLB और CS के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स सिमिलर हैं, तो जो आपने CS में सीखा है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आप LLB में वापस सीखने वाले हो। तो ये एक्स्ट्रा नहीं मेहनत करके आपके पास 2 डिग्री हो सकती है, बैचलर प्लस, बैचलर तो 1 डिग्री हो गया, और प्लस LLB और CS का प्रोफेशनल डिग्री। अभी मैं ये बात करता हूँ बैचलर एंड देन MBA। मैंने बैचलर प्लस MBA नहीं लिखा है, क्योंकि MBA बैचलर के साथ साथ पैरेलली नहीं हो सकता है। आपने जो भी गूगल फॉर्म दिए उसको मैं रिव्यू कर रहा था अभी मीटिंग स्टार्ट करने के पहले, और मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे MBA में इंटरेस्टेड है, काफ़ी सारे बच्चे। तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, वर्ल्ड ओवर कोई भी पढ़ाई कंप्लीट करके तुरंत MBA नहीं करता है। आप US में जाइए या UK में जाइए, तो ऐसा कोई नहीं करता है कि पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और पढ़ाई करके तुरंत MBA ज्वाइन कर लिया, ना, ऐसा कोई नहीं करता है। पढ़ाई कंप्लीट हो गया, जो भी उनको पढ़ाई करना है, उसके बाद वो जॉब करते हैं, 3-4 साल 5 साल किसी भी एक इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, और फिर अगर उनको लगता है कि उन्हें अपने लेवल से हायर लेवल पे जाना है, तब जाके वो MBA करते हैं। UK में 1 साल का MBA होता है और USA में 2 साल का MBA होता है। तो काफ़ी चीज़ों में हमने UK को कॉपी किया है, पर MBA के लिए हमने USA को कॉपी किया है। हमारे यहाँ पे भी MBA 2 साल का होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको MBA करना है, तो मेरा सजेशन आपसे ये होगा, पहली बात, सजेशन के पहले प्रिकॉशन, और प्रिकॉशन ये है कि जो MBA का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एग्ज़ाम इंडिया लेवल पे सब लोग देते हैं। उसमें इंजीनियर्स भी एग्ज़ाम देते होंगे और कॉमर्स के बच्चे भी एग्जाम देते होंगे, तो यू विल बी कम्पीटिंग विद द बेस्ट माइंड्स ऑल ओवर इंडिया। तो किसी अच्छी टॉप मोस्ट MBA इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा। तो MBA सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मे बी हमें ऐसा, मुझे, मेरा खुद का सोच ऐसा था, विजन, MBA मतलब MBA हो गया ना एक बार तो मस्त एकदम लैपटॉप मिलेगा अच्छा सा,
एक अच्छा सा कैबिन होगा, मस्त कार मिलेगा कंपनी की तरफ से, एक पर्सनल सेक्रेटरी होगी, ऐसा सब हो जाएगा अगर मैं एमबीए कर लूंगा तो। ऐसे एक ऐसे दिमाग में घुस गया था कि एमबीए मतलब ये सब मिलेगा, तो जब रियलिटी पता चला तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। तो एमबीए के बारे में आपने जो कुछ भी सुन के रखा है, आई एम नॉट नेगेटिव टू एमबीए, बट आपको अपने आप को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा अगर आपको किसी टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है। एंड मैं ये अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर एमबीए टीवाई के बाद ही होता है तो अभी बैचलर के साथ क्यों ना एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर दिया जाए, जिसके वजह से हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज आ जाए। प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आप ग्रिल होंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, तो क्यों ना बैचलर के साथ साथ पैरेलली कोई एक प्रोफेशनल कोर्स कर दिया जाए और उसके बाद एमबीए किया जाए। ऐसे भी एमबीए अभी ट्वेल्थ के बाद तो होने नहीं वाला है, तो ट्वेल्थ के बाद कोई भी प्रोफेशनल कोर्स और वो खत्म होने के बाद अगर एमबीए करना है तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द डिसीजन ऑफ एमबीए फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी टेकन नाउ, इट शुड बी टेकन आफ्टर यू हैव बैचलर प्लस प्रोफेशनल डिग्री इन योर हैंड। तो मैंने इधर इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि बैचलर हो जाइए, किसी इंडस्ट्री में 2-3 साल काम करिए, उसके बाद आप एमबीए के लिए ट्राई करिए। एक और बात बता दूं, जो से आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, वो टू स्टेट्स आपने पिक्चर देखा, टू स्टेट्स वरुण और आलिया थी आई थिंक, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रमाइसिस दिखा है वो IIM अहमदाबाद का है। थ्री इडियट्स पिक्चर देखा आपने, उसमें जो प्रमाइसिस दिखा है वो IIM बैंगलोर के हैं। तो ये सारी जो टॉप की IIMs हैं एमबीए के लिए जो फेमस हैं, उनके क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर आपके पास वर्क एक्स यानी कि वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रायोरिटी मिलता है सिलेक्शन में, मेरिट में। अगर दो बच्चे हैं सेम मेरिट पे हैं, सेम परसेंटेज आए एग्जाम में, तो पहला प्रेफरेंस उसको मिलता है जिसको 3 साल का 2 साल का जॉब करने का एक्सपीरियंस हो। जिसने बीकॉम के बाद सीधा सीधा एमबीए के लिए ट्राई किया है उसको सेकेंड चॉइस रखते हैं, ठीक है। तो अगर एमबीए आप सोच रहे हैं तो यू शुड थिंक ऑफ एमबीए आफ्टर वर्किंग समवेयर फॉर 2 इयर्स। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे जितने एक मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप देखिएगा, और वो वीडियो एक्चुअली फैक्ट है। तो काफी सारे बच्चे एडमिशन्स के बाद भी ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ अभी मत कर बेटा एमबीए। काफी बच्चे नहीं सुनते हैं, वो जहाँ पे एडमिशन मिलेगा जिस कॉलेज में ले लेते हैं, और फिर 2-3 साल के बाद जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आप बराबर बोल रहे थे, हमको इतना फायदा नहीं हुआ एमबीए करके। तो वो खर्चा करने के बाद ही महसूस होता है कि यार डिसीजन गलत हो गया। तो डू वॉच दैट वीडियो, आई विल शेयर विथ यू। हाँ, अभी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और फेवरेट टॉपिक है, मैं थोड़ा सीए पे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, पर मैं बात कर रहा हूँ तीनों के लिए, सीए सीएस सीएमए, जिसको मैं प्रोफेशनल कोर्स बोलता हूँ। तो अगर किसी बच्चे को 90% के ऊपर आया है ना 10th में, और मैं उनसे ऐसे ही काउंसलिंग कर रहा हूँ बैठे बैठे कि तो अभी क्या सीए करोगे, तो जनरली वो बच्चा मना करता है कि नहीं मैं सीए नहीं करूंगा। तो काफी बच्चे क्या करेंगे वो क्लियर नहीं होता है, पर सीए नहीं करेंगे ये तो क्लियर होता है सबको। तो उनसे थोड़ा और प्रोब करें ना अगर बातचीत में कि क्यों सीए नहीं करने गया, तो जनरल आंसर होता है नो आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ अलग करना है। सब लोग सीए करते हैं, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा बेटा सब लोग सीए करते हैं शायद तेरी बात सही होगी, पर तेरे को कुछ अलग ही करना है अगर, तो सब लोग टॉप नहीं करते हैं सीए में, तो तू सीए कर ले और अलग ये कर कि तू सीए में टॉप करके दिखा। फेयर एनफ आर्ग्यूमेंट। तो जनरली मैंने ये नोट किया है कि बच्चे सीए से सीएमए से या सीएस से डरते हैं,
फियर है, और फियर किस चीज का है, फियर किस चीज का है, बोलो बोलो। फेलियर का फियर है। और ये फियर कहाँ से आया मालूम है? आपने आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में, शायद बड़ा भाई छोटी बहन वॉट एवर, छोटी बहन तो नहीं सॉरी, पर बड़ा भाई बड़ी बहन, कोई कजिन, कोई फ्रेंड का भाई, और आपने घर में ये बातचीत करते हुए सुना है बहुत लोगों को कि उसने इतना अटेम्प्ट दिया, इतना अटेम्प्ट दिया, इतना अटेम्प्ट के बाद अभी छोड़ दिया, तो ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। देर इज अ फियर ऑफ फेलियर टू चूज एनी प्रोफेशनल कोर्स, टू चूज एनी प्रोफेशनल कोर्स। अच्छा, कल ही एक बच्ची से मैं बात कर रहा था, उसने फोन किया था, 12th में है वो अभी, और वो अभी सोच रही थी सीरियसली सीए करने के बारे में, एंड शी वॉज डीलिंग विद द सेम इश्यू कि अगर सर मैं 2-3 अटेम्प्ट दूंगी और फिर भी अगर नहीं पास हुआ तो, फेल हो गई तो। तो मैंने उसको सवाल पूछा कि तेरी अभी एज क्या है, उसने बोला आई थिंक 17 ईयर्स, और मैंने बोला मेरी एज 47 है। तो फेलियर, फियर ऑफ फेलियर किसको ज्यादा होना चाहिए? इफ आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, शुड आई फियर मोर, और यू एट द एज ऑफ 17 शुड फियर मोर? फेलियर से जो नुकसान होने वाला है वो किसको ज्यादा होगा? सर नो वॉइस। सबको आवाज आ रही है ना भाई? यस सर। हाँ सर। हाँ बेटा, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, जिन्होंने नो वॉइस बोला प्रॉब्लम शायद आपके यहाँ है बेटा, देखो चेक करो। हाँ, तो आर्यन ने एक सवाल पूछा है। आर्यन, ICWA ये पहले नाम होता था, अभी उसका नाम CMA हो गया है, पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट था, अभी नाम चेंज हो गया, अभी नाम हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वो CMA है, CA नहीं है, सी अलग है, सी एम ए अलग है। कैन कॉमर्स स्टूडेंट डू क्रिमिनल लॉ? तो लॉ LLB के बाद आप क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो 12th के बाद आप LLB कर सकते हो, TY के बाद भी आप LLB कर सकते हो, और LLB करने के बाद आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में आपको स्पेशलाइज करना है, ठीक है? क्रिमिनल लॉ नाम का कोई डिग्री नहीं है, वो लॉ है, लॉ में आप सारे लॉ पढ़ोगे, सिविल लॉ पढ़ोगे, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारे लॉ पढ़ोगे, वन ऑफ देम इज क्रिमिनल लॉ। फिर आपको डिसाइड करना है आपको क्या प्रैक्टिस करना है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ओके? हाँ जी, तो मैं कहाँ था? मैंने मिस कर दिया। किसको डर ज्यादा? हाँ, किसको डर ज्यादा? तो डेफिनेटली मुझे डर ज्यादा होना चाहिए, मेरे पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने का, मैं अगर फेल हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगा, पर अगर 17 साल 18 साल के बच्चा अगर फेल होता है तो प्रॉब्लम क्या है? फेलियर से सीखने ही मिलेगा ना, प्रॉब्लम क्या है? और सीखा हुआ चीज तो कहीं वेस्ट नहीं जाता है। एंड इफ यू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, फेलियर जितना सिखाता है सक्सेस इतना नहीं सिखाता है। लाइफ लेसन्स फेलियर से ज्यादा सीखेंगे। आई एम नॉट सेइंग यू विल फेल, बट आई एम ओनली एड्रेसिंग दैट वी हैव लॉट ऑफ फियर, और फियर के वजह से अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन भी रॉन्ग ही होगा। तो फियर किस किस चीजों का है, देखो मैंने लिस्ट डाउन किया है। फियर है कि भाई पास परसेंटेज तो बहुत लो होता है सीए में, 3% रिजल्ट आता है, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स तो हमने खुद ने देखा ही नहीं है पर सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। अगर आप बोलते हो कि मेरे को डर है कि सीए में तो अगर आपने सुना है कि 3% रिजल्ट आता है, 5% रिजल्ट आता है, तो दैट इज व्हाट योर परसेप्शन इज। आप मुझे पूछो, मेरे ग्रुप में हम लोग कुछ 8-10 फ्रेंड्स हैं जो स्कूल से साथ में हैं, सबके सब सीए हो गए हैं,
एक भी फेल नहीं हुआ है, मतलब एक दो अटेम्प्ट ज्यादा लगे हैं पर सीए छोड़ा नहीं है किसी ने, सबके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट, तो मेरे लिए तो 100% रिजल्ट है। अब आप किसकी बात मानोगे, वो 3% बोलने वाले की बात मानोगे? आगे, हाँ ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि आपने सुना हुआ है, सो एंड सो इन द फैमिली अपीयर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन फाइनली हैड टू गिव अप। व्हाट इफ आई डोंट क्लियर, मैं पास नहीं हुआ तो इतना टाइम मेरा एग्जाम दिया हुआ पूरा डस्टबिन में जाएगा, कचरा पट्टी में जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। और फिर उसके बाद मैं 3 साल के बाद क्या करूं, ये 3 साल मेरे वेस्ट हो गए, अभी वापस डिसीजन लेना पड़ेगा कुछ करने का। तो ये सब फियर हमने पाल के रखे हैं। एंड अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सीए, सीएमए, सीएस, तीनों, बाय द वे सीएमए और सीएस में भी फेलियर होते हैं। द पॉइंट इज आपने उतना ज्यादा सुना नहीं होगा उनके बारे में क्योंकि सीए में ज्यादा फेलियर होते हैं। तो देवांश, नोबडी इज डिनाइंग दैट, हु इज डिनाइंग? देवांश बोलता है बट इन रियलिटी द फैक्ट है ना कि सीए का पासिंग परसेंटेज इज लेस देन 10, बट देवांश द क्वेश्चन इज कैन यू बी इन दैट 10? देवांश वेटिंग फॉर योर आंसर। यस सर, सर मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं आई गॉट दैट, ना 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 होल्ड ऑन, इफ इट इज देन कैन यू बी इन दैट 10? चांस है सर, दैट देन यू डू नॉट नीड नॉट वरी अबाउट रिमेनिंग 90। यस सर, बट वो फेलियर का जो डर है इट इज वैलिड ना, बिकॉज़ द पासिंग परसेंटेज, ओनली इफ यू गिव पावर टू दैट, only if you give power to that. Yes. So let me clear what I'm trying to say. मुझे मालूम है कि CA का result tough है, CA का exam pass होना खाने का काम नहीं है, ये मुझे मालूम है। और मालूम होने के बाद मैं पूरा जान लगा देता हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो मैं क्यों पास नहीं होएगा? ये सोच लेके अगर मैं जाऊंगा then I can be in that 10%. मैं यहाँ पे कोई पेप टॉक या मोटिवेशनल टॉक नहीं दे रहा हूं, मैं तो रियलिटी बोल रहा हूं। मुझे मालूम था सीए डिफिकल्ट है, पर मैंने अपने आप को कभी ये बात अग्री करने दिया ही नहीं कि मैं फेल भी हो सकता हूं। तो मेरे पूरे प्रिपरेशन उसी तरीके से थे 3 साल, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड फॉर मी। सो आई क्रिएटेड माय रियलिटी, एंड जो 90% फेल होते होंगे उन्होंने वो रियलिटी अपने आप के लिए क्रिएट किया होगा कि हाँ फेल तो होते हैं ना, सब लोग फेल होते हैं, उसमें क्या है। द पॉइंट देवांश आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट बिकॉज दैट इज द रियलिटी, विल यू बेस योर लाइफ डिसीजन ऑन दैट? नो सर, दैट्स द पॉइंट। ओके, आई एम नॉट डिनाइंग, ये डिफिकल्ट कोर्स है एंड बाय द वे इसीलिए तो वैल्यूएबल है। मान लो सीए का रिजल्ट भी ये साल से 90% आने लग गया तो हर बिल्डिंग में, हर घर में एक एक दो दो सीए हो जाएंगे, तो फिर क्या वैल्यू रहेगा उसका? तो उन्होंने उतने स्टैंडर्ड टफ रखे हैं तभी तो उसका इतना वैल्यू है। अच्छा, कोई और मैसेज आया चैट में। यस दियान, वेरी गुड, आई विल मेंशन दैट, आई विल कम टू दैट, दैट पॉइंट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, but if I forget remind me। हाँ, तो ये भी, in SSC how many students score more than 85%? काफी सारे ना, बहुत सारे जन, but इंडिया में out of 125 crore as of now सिर्फ 1,25,000 students ही CA हैं। how much less percentage, सोचो कितना demand होगा और कितना value होगा। तो ये पहला slide इसलिए है कि काफी बच्चे, अगर वापस देवांश का आर्गुमेंट ले तो अगर 10% बच्चे पास होते हैं तो मतलब 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे सबके सब सीए करते हैं तो वो सब सीए होने चाहिए। तो सब नहीं करते हैं सीए, जो करते हैं
वो जिस हिसाब से करना चाहिए प्रोबेबली वैसे नहीं करते हैं, इसीलिए फेलियर फेस करते हैं. एंड वन स्टेप फर्दर, फेलियर भी हुआ तो बिग डील, सेकेंड अटेम्प्ट देंगे. देखो यहाँ पे कुछ वेरी ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा मैं. विथ माई एक्सपीरियंस, अगर सीए बनना है किसी को, अगेन मैं बार बार सीए बोलता हूँ बट दिस अप्लाइज टू ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस, 20 महीने पढ़ना है, 30 दिन पढ़ना है और दिन के 12 घंटे पढ़ाई करना है. तो कोई भी ये इतना पढ़ाई करोगे ना डिसिप्लिन से रिगरसली, तो सीए सीएमए सीएस हो गए, डन डील. कितना घंटा पढ़ाई करने का? 7200 आवर्स पढ़ाई करने का. अज्यूम करते हैं कि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगेन कोरोना वाले बात को थोड़ा साइड पर रख दें, तो इन जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज अप्रॉक्स 80 years 80. तो अगर हम 80 years जीते हैं तो ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वी विल बी हियर फॉर 7,800 hours. इसका मतलब अगर 1% है ना, अप्रॉक्स 1% है ना टाइम, अगर मैं रिगरस स्टडीज में दूं किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, तो बाकी का 99% ऑफ द टाइम इज जलसा, मज्जेनी लाइफ. वो एमबीबीएस का डायलॉग है ना, जूस पीने का, कैरम खेलने का, मज्जेनी लाइफ. कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, एंड यू एंड योर पेरेंट्स ऑल विल अग्री दैट इन द करंट कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड ओनली अ बैचलर्स डिग्री विल नॉट टेक यू एनीवेयर. ओनली अ बैचलर्स डिग्री इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. सो थोड़ा सा खराब कंपैरिजन है, बच्चे पूछते हैं सर मैं बैफ करूं या सीए करूं, सर मैं बीएमएस करूं या सीए करूं. So, I'm sorry for this comparison, but it is worth doing it. So, it is like comparing Rakhi Sawant with Aishwarya Rai. Or if CA or CS or CMA is the top of the Himalaya, peak of the Himalaya, then all graduate courses are not even the base camp. ना, तो ऐसे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं. व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी ये करूं कि ये करूं. अरे ये सवाल पूछो, सीए करूं कि सीएस करूं या सीएमए, तो थोड़ा सा ढंग का है. बीकॉम बैफ और सीए के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसका सवाल नहीं पूछ सकते हो आप. हाँ ये पूछ सकते हो बीकॉम करूं या बीएमएस करूं, बीएमएस करूं या बैफ करूं, सेम लेवल को कंपेयर कर सकते हो. ऐश्वर्या एंड दीपिका सावंत, दीपिका पादुकोण को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, बट राखी और ऐश्वर्या को नहीं कर सकते हैं. आगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस आपका हो सकता है, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज प्रैक्टिस, व्हाट इज जॉब, आई विल एक्सप्लेन. सी आपने एग्जाम्पल सीए बन गए आप, तो प्रैक्टिस का मतलब आपके क्लाइंट्स होंगे, आपका खुद का अपना एक ऑफिस होगा और आप आपके क्लाइंट्स को एडवाइस करोगे कि कैसे अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, कैसे टैक्स फाइल बचाया जा सकता है वगैरह. अगर आप जॉब करते हैं तो यू विल बी वर्किंग समवेयर इन सम कंपनी एंड डूइंग देयर अकाउंट्स वर्क, देयर फाइनेंस वर्क. So you can be an entrepreneur yourself, having your own office, having your be your own boss, or you can take up a job in a company. So that depends on what motivates you. अगर आपको लगता है नहीं मुझे अपना खुद का करना है, कोई boss नहीं चाहिए, तो अपना practice कर सकते हो. या you are happy being working somewhere, risk नहीं लेना है, independent practice में risk भी है, job में risk नहीं है. तो दोनों के pros and cons हैं. बट आई थिंक वो डिसीजन आप बाद में ले सकते हो, सीए बनने के बाद या सीए बनने के प्रोसेस में आप सोच सकते हो. अभी से ऑप्शन क्या क्या है वो सिर्फ देख रहे हैं हम. अपॉर्चुनिटीज इन ग्लोबल अरेना, तो ये सवाल मुझे किसी ने पूछा था, है ना, कौन था, रियान था, दियान ने पूछा था.
तो सीए इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिकली बात करूं ना आपको, मोर देन 120 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है सीए कोर्स। अगर मैंने इंडियन सीए कर लिया है ना और मुझे यूके का सीए अगर बनना है तो मुझे सिर्फ दो पेपर देने हैं, ओनली टू पेपर्स आई कैन गिव एंड आई कैन बिकम अ सीए ऑफ यूके। अगर सीए ऑफ कैनेडा अगर मुझे बनना है, उधर नाम सीपीए है बाय द वे कैनेडा में, तो वहां का अगर मुझे सीए बनना है, नाम अलग अलग है, डिग्री मतलब कंटेंट एक ही है, तो मुझे तीन पेपर देना है सिर्फ एंड आई कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ यूएस सॉरी सी कैनेडा। वैसे ही यूएस में भी नाम सीपीए, आई हैव टू गिव फ्यू पेपर्स एंड आई कैन बिकम अ। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उन्होंने ये सारी वर्ल्ड की इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू वर्क इन एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। दूसरा ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, पर एक IFRS करके एक नया सिस्टम है, सारी लिस्टेड कंपनीज जो होती है उनको अभी इस सिस्टम से अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो अगर आपने सीए किया है तो आप वो पूरा सिस्टम सीखोगे कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, एंड द सेम इज एप्लीकेबल इन ऑल द कंट्रीज वर्ल्ड ओवर। तो ऐसा नहीं है कि ये सीए किया तो आपने सिर्फ इंडिया के बारे में सीखा, द सेम थिंग कॉल्ड IFRS इज एप्लीकेबल इन ऑल अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो यू आर एम्प्लॉयबल नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, एंड वेरी ईजीली विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी टू डू कोर्सेस ऑफ दोज कंट्रीज। Dhyan, does it answer your question, beta? Yes, sir. Very good. फिर मैं चैट बॉक्स देखूं जरा, कुछ और भी questions आए हैं। आर्यन कह रहा है, सर हाउ टू डिसाइड विच प्रोफेशन विल बी बेस्ट फॉर मी, एंड पूजा कहती है सीए इंक्लूड्स विच सब्जेक्ट्स। ओके, तो मैं बताऊंगा, आई विल कम टू दैट ऑल्सो, मैं आगे जाता हूं। जो मैंने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया ना कार वाला, तो मान लो अगर वही एग्जाम्पल को मैं क्रिएट करता हूँ कि मान लीजिए जैसे कार ड्राइविंग स्कूल में होता है, वो सिर्फ चार दीवार में बैठ के लेक्चर नहीं देते हैं ना, वो थोड़ा बहुत समझाते हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह देते हैं हमें, और फिर क्या करते हैं, फिर सीधा कार का चाबी देते हैं। एक अंकल बाजू में बैठते हैं जो खुद ड्राइवर हैं और उनके पास भी कंट्रोल होता है ब्रेक क्लच वगैरह का, और फिर हमें 20-25 दिन सिखाते हैं एंड देन वी आर एक्सपर्ट। तो सीए सीएमए सब में आर्टिकलशिप यानी इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर 3 साल काम करना होता है। तो 3 साल आप सोचो गाड़ी चलाना सीख रहे हो, और जो एक्सपीरियंस बंदा है बाजू में बैठा है जो गाड़ी कैसे चलाने का सिखा रहा है आपको, तो 3 साल के बाद क्या आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे? तो आपको बुक्स में से पढ़ना है और फिर वही बुक्स को रियल लाइफ में जाके उधर अप्लाई करना है। तो आर्टिकलशिप इज द बेस्ट वे टू लर्न एंड साथ में अर्न ऑल्सो। अर्न पे मैं आऊंगा आगे, ये नेक्स्ट पॉइंट है। काफी बड़ी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म्स होती है जहां पे आप काम करोगे, तो एवरेज स्टाइपेंड आपको 10,000 से लेके 20,000-25,000 तक मिलता है। मेरा बेटा अभी लास्ट अटेम्प में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो भी फर्स्ट अटेम्प में क्लियर हुआ, एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ही इज ऑल्सो NM कॉलेज नाउ, डोंट थिंक बिकॉज ही इज माई सन, ओके, बिकॉज ही ऑल्सो थॉट द सेम वे दैट आई कांट फेल इन द एग्जाम, और आराम से एकदम मक्खन की माफिक सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। वो KPMG नाम की कंपनी में आर्टिकलशिप करता था, उसके सीए का सारा खर्चा उसने खुद उठाया है और उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया है। अब नॉर्मली कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो पैसा कौन देता है? पापा देते हैं।
तो यहाँ पे तो उसने अपना पैसा खर्चा खुद किया, ऊपर से मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो सीए पढ़ने के लिए एक पैसे का खर्चा उसका नहीं हुआ है। तो किसी अच्छी कंपनी में अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं तो आपको रेम्यूनरेशन भी मिलता है हर साल, ओके, विच विल कवर योर कॉस्ट ऑफ सीए एंड कॉस्ट ऑफ कोचिंग क्लासेस ऑल्सो, इवन इफ यू ड्रॉप। तो काफी बच्चों का ये सवाल, जैसे मैंने पहले कहा कि होता है कि अगर फेल हुआ तो तीन साल बाद क्या करेंगे, तो अगेन आप सोचिए कि एक बच्चा है जो सिर्फ ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहा है। मैं एक एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपको। मुझे मेरे क्लासेस के लिए एक मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए था, तो एक MBA, सॉरी एक BMS जिसने क्लियर कर लिया था वो बच्चा आया मेरे पास इंटरव्यू के लिए। तो मैंने पूछा उसको दो तीन सवाल, उसने बोला हाँ मेरे को आता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपको कंप्यूटर आता है? बोलते हाँ सर आता है। मैंने कहा वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? उसने बोला हाँ सर आता है। पूछा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है? उसने बोला हाँ आता है। तो मैंने क्या किया, फिर सवाल नहीं पूछा, मैंने उसको कहा ये, मैंने मेरा लैपटॉप टर्न किया उसके सामने और बोला कि मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रहा है दो तीन दिन से, बेसिक एकदम बेसिक चीज पूछा था उसको, तो कैन यू सॉल्व इट फॉर मी? तो इमीडिएट जवाब क्या था मालूम है कि सर मैंने ना कंप्यूटर 12th के वेकेशन में किया था, क्लास किया था कंप्यूटर का, उसमें सीखा था वर्ड और एक्सेल, पर अभी मैं भूल गया हूं, शुड आई हायर हिम? नो सर। ना ना पक्का नो ना, क्या करूं मैं उसका? वाई शुड आई गिव हिम 15,000 रुपीज पर मंथ फॉर टीचिंग हिम? वेयर एज इफ अ पर्सन डज आर्टिकलशिप, तो आर्टिकलशिप में तीन साल वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड और एक्सेल पे ही काम करेगा। अभी ऐसा कोई बंदा मेरे पास आता, तो दो बच्चे बैठे सामने सामने, एक BMS वाला बच्चा है, उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन इज अ पर्सन हु हैज ड्रॉप्ड CA, तीन साल आर्टिकलशिप किया है पर अभी फेल हो रहा है तो वो CA छोड़ रहा है, उसको रख रहा हूं मैं काम पे, क्या उसको वर्ड एक्सेल सब कुछ आता होगा? नो सर। क्या नो? यस सर। यस सर, सॉरी सॉरी, उसको वर्ड एक्सेल सब कुछ आता होगा, तीन साल इन एंड आउट वही काम किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदा नहीं रह सकता। तो ही इज अ रेडी मटीरियल, आई विल रेडीली टेक हिम, पे हिम मोर ऑल्सो, बिकॉज वो पहले दिन से मेरे लिए काम करेगा। वो पहले बंदे को मुझे सिखाना पड़ेगा दो तीन महीने, फिर जाके वो कुछ काम करेगा मेरे लिए। तो इवन इफ यू ड्रॉप आउट, स्टिल सिर्फ ग्रेजुएट से तो वो कहीं ऊपर है, सिर्फ ग्रेजुएट से तो वो कहीं ऊपर है। एंड एज आई सेड, सीए है ना वर्ल्ड का सबसे सस्ता कोर्स है, सिर्फ अगर सीए इंस्टीट्यूट की फीस अगर देखे ना तो हार्डली 60,000 to 70,000 होगी सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट की फीस। है सारे तीनों लेवल की, तीन लेवल है सीए में, तीनों का टोटल 70,000 के आसपास होगा, कोचिंग क्लासेस वगैरह सब ऐड कर दें तो शायद 2.5-3 लाख रुपए के आसपास पूरा सीए कंप्लीट हो सकता है। एंड एज आई सेड, 10,000 रुपया महीना अगर ले लेते हो आप तो फिर तो उल्टा बच जाता है पैसा, ठीक है? देखो ये कुछ टाइम कॉस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने लिखा है। अगर हम BCom करते हैं, तीन साल का कोर्स है, डिपेंडिंग ऑन कौन से कॉलेज से करते हैं, इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको BCom के बाद इतना पैसा मिलेगा, 180 से 2,40,000 पर एनम, BAF, BMS, BBI, ये सारे कोर्सेस BCom के कंपैरिजन में अच्छे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई बच्चा पूछता है सर मैं BCom करूं या BAF करूं, BCom करूं या BMS करूं, तो सिर्फ यही करने वाले हैं तो ऑफकोर्स BAF, BMS, BBI बेटर है BCom से। पर अगर मैं बैचलर के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करने वाला हूं तो फिर मैं एडवाइस करूंगा BCom करिए प्लस CA करिए, BCom करिए प्लस CS करिए, BCom प्लस CMA, BCom प्लस LLB, फिर ये BAF, BMS, BBI की कोई जरूरत नहीं है, ओके? क्योंकि उसमें टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा और पैसे भी ज्यादा लगेंगे, ओके?
चार्टर्ड अकाउंटेंट 3.5 से 4 साल का कोर्स है. इन्वेस्टमेंट एज आई टोल्ड देखो 70,000 to 80,000 और स्टाइपेंड आपको मिलेगा 3,60,000. स्टाइपेंड मतलब वो जो इंटर्नशिप में जो पैसे मिलते हैं वो. और एक बार आप सीए बन जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 8 से 10 लाख के आसपास होता है, स्टार्टिंग सैलरी. ओके, सीए सीए में 3 साल कॉस्ट इज अराउंड 50,000. उसका जो पैकेज होता है वो सीए के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, 6 to 8 lakhs. एलएलबी 5 साल कॉस्ट 2.5 लाख रुपया. अर्निंग्स मैंने यहाँ पे 6 to 8 lakhs लिखा है, बट एज आई टोल्ड यू देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉयर्स हु अर्न्स 1 lakh रुपीज एन आवर. ठीक है, तो एलएलबी में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो स्काई इज द लिमिट. एमबीए में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 10 से 20 लाख रुपया और हाउ मच यू कैन अर्न इज इट रेंजेस फ्रॉम 5 lakhs to 30 lakh रुपीज. चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो देख लेता हूं. सो प्रथम विच एमबीए मींस आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन बेटा. मार्केटिंग में या फाइनेंस में मतलब अलग अलग टाइप रहता है ना उसमें. तो उसमें से कौन सा एडवाइजेबल है कि सीए के साथ तो कंपैटिबल होगा? हाँ, तो सीए के साथ नेचुरली एमबीए इन फाइनेंस इज कंपैटिबल. मार्केटिंग का और सीए का कोई कनेक्शन ही नहीं है बेटा. तो अगर आपने ऑलरेडी सीए कर लिया है तो सीए के बाद इट इज एमबीए इन फाइनेंस. ओके, एलएलएम एलएलबी के बाद कर सकते हो हेतवी. तो इट इज मास्टर इन लॉ, एलएलबी इज बैचलर इन लॉ, उसके बाद आप एलएलएम कर सकते हो. पूजा, आई सेड आई विल कवर द क्वेश्चंस, मतलब सब्जेक्ट्स आई विल कवर लेटर. वंश कह रहा है बीएफएम के बारे में बताओ. यस, आई विल एक्सप्लेन, वेट. दियान वांट्स टू नो सीए और एसीसीए का डिस्टिंग्विश. ओके, I'll do that. मैं आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ, पहले मेरे स्लाइड्स खत्म हो जाने दीजिए. तो थोड़ा फटाफट कर लो. पूजा म्यूट रखो बेटा. मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल कोर्स विद ग्रेजुएशन? इट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टे इन कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगेन आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि सिर्फ एक डिग्री भी काफी नहीं है, आपको दो दो डिग्री, तीन तीन डिग्री चाहिए. अगर सिर्फ डिग्री के बेस पे पैसा कमाने वाले हैं तो मिनिमम एक दो डिग्री तो चाहिए ही चाहिए. अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं तो 12th के बाद आपका स्केड्यूल क्या होगा? आपका जो डिग्री कॉलेज है ना वो सुबह 11 बजे कंप्लीट हो जाएगा. तो 11 बजे के बाद आप करोगे क्या? फिर आपके हाथ में जो एक खिलौना होगा उसी पे खेलते रहोगे पूरा दिन. तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो यू आर फुल्ली एंगेज्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ गेटिंग नॉलेज. तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. हाँ, आप सब लोगों ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट किया होगा जिसमें अपने एक कागज के ऊपर एनर्जी को फोकस किया होगा और फिर वो कागज जल गया होगा. यस नो? हाँ बोलो, ना बोलो. ऐसा किया था कि नहीं किया था कोई प्रोजेक्ट? एक्चुअल में किया था, ऐसा पता है तो. No, sir. नहीं है पर आपको पता. Yes, sir. है. No, sir. No? अच्छा, आपको पता है एटलीस्ट कि अगर एनर्जी को एक ही फोकल पॉइंट पे चैनलाइज करें तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, राइट? आई एम नॉट वेरी गुड विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो. तो अभी
हमारा एनर्जी अगर डिस्ट्रैक्टेड है, एज मोस्ट ऑफ अस आर डिस्ट्रैक्टेड, अगर हम उसको चैनलाइज करते हैं एकदम एक ही फोकस, घोड़ा फास्ट क्यों भागता है, एकदम फास्ट क्यों भागता है? क्योंकि घोड़े के आंख के आगे ना इधर ऐसे कुछ लगा रहता है जिससे उसको ये राइट साइड का लेफ्ट साइड का कुछ दिखता ही नहीं है, उसको आगे का ही दिखता है। तो घोड़े को कभी ऐसा राइट में भागते हुए लेफ्ट में भागते हुए नहीं देखा है, स्ट्रेट ही भाग रहा है, बस भाग रहा है भाग रहा है। क्यों? उसको वही दिख रहा है, फोकस ही वो है। तो एक क्लियर फोकस होगा तो फेलियर का चांस ही नहीं है। एंड एज आई टोल्ड यू, आर्टिकलशिप जब करते हैं किसी ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस के अंडर काम करते हैं तो बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है। और अगेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ माय सन, ही वाज वर्किंग विद केपीएमजी, आर्टिकलशिप वहीं पे कर रहा था वो। जैसे सीए हो गया, कहीं पे कोई इंटरव्यू देने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, नो वेटिंग पीरियड। नेक्स्ट डे से उसका पगार सीधा डबल हो गया, वहीं पे काम कर रहा है जहां 3 साल से कर रहा था। तो जॉब भी ऐसे ऐसे मिल जाएगा आराम से। एंड कॉस्ट ऑफ स्टडीज सेल्फ फंडेड, अगेन आई टोल्ड यू ही डिड नॉट डिपेंड ऑन मी टू फाइनेंस हिज स्टडीज। व्हाट माइट स्टॉप यू, बाद में देखते हैं, अभी जल्दी क्या है। स्पेशली ये देखा है मैंने। अच्छा, आपके फ्रेंड्स जो भी साइंस में जाने वाले हैं उनको अगर आप पूछोगे तो अभी से उनको पता होगा कि वो कौन से फील्ड में जाने वाले हैं, हाँ या ना। इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं तो विच इंजीनियरिंग दे आर चूजिंग, दे वुड हैव डिसाइडेड राइट नाउ। वेदर दे विल फाइनली गो देयर और नॉट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, पर डिसाइड तो अभी हो गया है, हाँ या ना। हाँ, वेयर एज मैंने ऐसा देखा है कॉमर्स में आने वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी 11th और 12th कर लेते हैं, ऐसे भी अभी डिसीजन कहां लेना है, डिसीजन 12th के बाद लेंगे, लेट अस वेट। ये इट इज अ वेरी डेंजरस थॉट प्रोसेस। अगेन इफ यू आस्क मी व्हाई डिड माय सन क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, द ओनली रीजन दैट ही क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज द डे ही डिसाइडेड दैट ही वॉन्ट्स टू डू कॉमर्स, ही वॉज क्लियर दैट इन कॉमर्स आई विल डू सीए ओनली। And that clarity and that focus made him CA, nothing else. तो बाद में देखते हैं, बहुत danger. आगे, हाँ यही अभी मैंने बता भी दिया, 12th में कितना percentage आता है देखने के बाद decide करेंगे whether I am capable enough to do CA or not. So this thought process can stop you. हाँ, आजकल तो सब CA करते हैं, मुझे कुछ अलग करना है, अभी अभी तो बोर्ड एग्जाम दिया है, इनफैक्ट एग्जाम भी नहीं दिया है, तो अभी अभी तो बोर्ड एग्जाम दिया है, लेट्स एंजॉय कॉलेज। अगेन कोरोना को जाने दो, कोरोना नहीं होता तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होता, अभी 1-2 साल थोड़ा कॉलेज मजा करते हैं फिर बाद में देखेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थॉट्स दैट मे स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ क्लियर डिसीजन राइट नाउ। वी आर लिविंग इन सच अ वर्ल्ड वेयर एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड जस्ट लाइक दिस, है ना। गूगल बाबा को पूछो, सारे आंसर रेडी हैं, क्वेश्चन पूछो पर। तो आपको एक डेडलाइन रखना चाहिए, आज मेरा सेमिनार अटेंड किया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर की रही है, जो ऑलरेडी कोई प्रोफेशन है उनको पूछिए, और एक डेट नक्की करिए कि ये डेट को मैं नक्की कर लेगा कि मैं ये करने वाला हूँ, मे बी 10 डेज 15 डेज, बट यू हैव टू हैव दैट डेट, गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। अभी आपके जो सवाल हैं वो ले लेते हैं वन बाय वन। अब मैं सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं पूजा, इट विल बी यू नो 1 आवर जॉब। तो सीए में बेसिकली क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स होता है, इनकम टैक्स होता है सीए में। अच्छा, सीए, सीएमए, सीएस, तीनों में ओवर 3 इयर्स आप 20 सब्जेक्ट सीखोगे, 20 से 21, थोड़ा सा फर्क है, सीएस में एक सब्जेक्ट ज्यादा है, और मोर और लेस सारे सब्जेक्ट सब में सीखोगे, सब में अकाउंट्स होगा, सब में कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, सब में इनकम टैक्स होगा, सभी में लॉ होगा, सभी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है,
सभी में सॉरी सीएस में मैथ्स नहीं है, अदरवाइज सीए और सीए में दोनों में मैथ्स है। तो बेसिकली सारे सब्जेक्ट सब में है, पर हर एक जगह पे सीए में अकाउंट्स में और टैक्स में एकदम एक्सपर्ट लेवल नॉलेज चाहिए, तो बहुत डिटेल में है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऊपर ऊपर से। सीएमए जो सब्जेक्ट है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत डीप नॉलेज चाहिए, बाकी सारे सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से। सीएस में कंपनीज एक्ट 2013 वो बहुत ही डिटेल में है, लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स डिटेल में है, बाकी सब ऊपर ऊपर से ऐसा है। तो बेसिक सब्जेक्ट सब में सेम है, एक्सपर्ट लेवल सब्जेक्ट्स अलग अलग है, ठीक है। हेतवी एलएलएम करने के लिए एलएलबी करना जरूरी है, एलएलएम करना है कि नहीं वो तो नेसेसरी तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, वो तो आपको डिसाइड करना है बेटा कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। वंश का सवाल है बीएफएम थोड़ा डीपली बताओ, तो बीएफएम इज अ बैचलर कोर्स और उसमें आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड सब्जेक्ट सीखोगे, फाइनेंशियल मार्केट। CFA नाम का एक कोर्स है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो TY के बाद होता है। अगर आप BFM करते हैं तो उसके बाद आप CFA कर सकते हो। CFA इज ऑल्सो इट्स अ US का कोर्स, वेरी वेल रिकग्नाइज्ड। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो ही ये दो कोर्स आपको करना चाहिए, और इनफैक्ट उल्टा अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो ये दो कोर्स करना ही चाहिए। कौन सा BFM करो और फिर उसके बाद CFA करो, ठीक है। BSc IT में सारे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं बेटा। आर्यन का क्वेश्चन है सर इन 11th CS एंड मैथ्स इज एन ऑप्शन, सो विच इज बेटर टू टेक। ये CS क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी वाला CS या SP बोल रहे हैं आप? आर्यन आर यू सेइंग एसपी एंड मैथ्स? एसपी सर। हाँ, सो बिटवीन एसपी एंड मैथ्स यू शुड चूज मैथ्स, आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ओनली ना, मैथ्स ही लेना चाहिए। मैथ्स लेंगे तो आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में काम आएगा। सर अकाउंट्स ये सब्जेक्ट में ऊपर ऊपर से क्या कंटेंट रहता है वो बता दो ना प्लीज। अच्छा, आफ्टर 12th वी कैन ऑप्ट फॉर बैफ विद सीए। प्रथम माय एडवाइस वुड बी इफ यू आर क्लियर कि आपको सीए करना है तो आपको बीकॉम करना चाहिए, बैफ नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछोगे तो जवाब देगा। अच्छा पूछ लिया, तो बैफ विल टेक लॉट ऑफ टाइम बेटा। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, तो बैफ में भी टाइम देना पड़ेगा, सीए में भी टाइम देना पड़ेगा। तो फिर दूध और दही दोनों में पैर रखोगे ना तो दूध भी फट जाएगा, दही भी नहीं जमेगा, तो धोबी का ऐसा हो जाएगा। तो बैफ मत करो, सीए करने वाले हो तो बीकॉम करो और बीकॉम के साथ सीए करो। वंश पूछता है सपोज किसका अकाउंट्स कच्चा है तो उसे कौन सी फील्ड लेनी चाहिए? तो कंपनी सेक्रेटरी में अकाउंट्स नहीं आता है, तब एब्सोल्युटली बहुत ही कम आता है, तो यू कैन चूज कंपनी सेक्रेटरी अगर आपका अकाउंट्स अच्छा नहीं है तो। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, तो अभी ACCA, हाँ CA and ACCA, तो ACCA is a course, वो UK की एक institute है, it's a private course, it is not even recognized by UK। तो imagine करो, एक example देता हूँ कि NMIMS जो institute है, NMIMS को एक course कर लेता है, कोई course start करता है, तो वो world level पे या India level पे recognize नहीं हो सकता है। Even out of Bombay, very few will know NMIMS, correct? तो ये private institute का course है, course अच्छा है,
अगर ACCA करना है तो CA करने के बाद कर सकते हो, और अगर आपने CA ऑलरेडी कर लिया है तो ACCA के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें काफी पेपर्स में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, तो थोड़े से पेपर देके आप बहुत ही कम कॉस्ट पे ACCA भी बन सकते हो। सिर्फ ACCA करोगे तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, CA में तो मैंने बताया कुछ खर्चा नहीं है, आपको उल्टा पैसा मिलने वाला है। सो इट इज, आई वुड से इट इज नॉट CA और ACCA, इट इज CA फर्स्ट एंड देन इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू ACCA। स्टॉक मार्केट के लिए मैंने कहा BFM, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एंड देन उसके बाद CFA। देवांश क्वेश्चन वापस डाल देना बेटा, कॉपी पेस्ट कर। सर अकाउंट्स ये सब्जेक्ट में ऊपर ऊपर से क्या कंटेंट रहता है वो बता देना प्लीज। हाँ तो मैं ये काम करने वाला हूँ आपके लिए, और ये काम मैं करने वाला हूँ, आज संडे है ना, तो मैं वेनसडे से मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट फॉर यू टू हैव अ टेस्ट, फ्री में, हाँ डेमो। तो जस्ट फॉर यू टू हैव अ टेस्ट कि अकाउंट्स में होता क्या है। तो जो भी बच्चे अभी 10th में हैं और वो कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं, दे कैन अटेंड दोज डेमो लेक्चर्स। सिर्फ एक काम करिएगा, मुझे पर्सनल में मैसेज करिएगा, सर आई एम इंटरेस्टेड। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनका अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और फिर उन्हीं को बताऊंगा जूम मीटिंग्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे मत लिखो आर्यन, मैं यहाँ पे नहीं कैच कर पाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल इसमें डाल दो दैट यू आर इंटरेस्टेड। वी विल हैव अ सेपरेट ग्रुप एंड वी विल टीच यू फॉर एटलीस्ट 15 डेज। हाँ 15 दिन हम डेमो रखेंगे, रोज लेक्चर नहीं रखेंगे, एक एक दिन रखेंगे। काफी पेरेंट्स खुश भी हो जाएंगे शायद ये प्रपोजल से, क्योंकि बच्चों के पास अभी काफी दिनों से करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो बच्चे थोड़े एंगेज रहेंगे, सो लॉट ऑफ पेरेंट्स विल बी हैप्पी विद दिस। तो जिसमें अकाउंट्स ही बताऊंगा, अकाउंट सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा नहीं, आई विल टीच यू अकाउंट्स एंड आई एम गोइंग टू टीच यू विद अ गेम, मतलब एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन करके हम उसको सीखेंगे, खेलते खेलते सीखेंगे, सीखते सीखते नहीं खेलेंगे, खेलते खेलते सीखेंगे। दियान, ACCA प्लस MBA इज गुड, बट एज आई टोल्ड यू ACCA में पहले 5 लाख का खर्चा होगा, MBA ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के बाद करना है, तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप क्या करोगे, तो इसलिए आपको पहले या तो CA करो। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और कुछ कर दिखाने का जुनून है, CA करो। जिसको मेरे बात के बाद भी अभी भी डर लगता है कि सर नहीं, आप बोल तो रहे हो ठीक है बट मेरे को डर लगता है मैं CA कर पाऊंगा कि नहीं, तो CA में इज अ गुड कोर्स, वेरी गुड कोर्स, सिमिलर टू CA, वैल्यू वाइज थोड़ा सा कम है बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड कोर्स। मैं CA भी हूँ और CA में भी हूँ, यानी मैं बता सकता हूँ कि CA में भी अच्छा कोर्स है, इट हैज अ रेप्यूटेशन इन द कंपनीज, आप अगर बोलोगे मैं CA में हूँ तो जॉब मिल जाएगा। अच्छा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे ना, CA, CMA, CS, तो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, मेरा गारंटी, कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। इवन ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स हैव यू हर्ड अ CA नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, नौकरी छूट गया उसका किसी CS। सर CMA में बेसिकली क्या होता है? तो CMA का फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है उनको कॉस्ट के बारे में डिटेल्स अगर चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं कंपनी में, एक आप सेल बढ़ाओ तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, दूसरा आप जो प्रोडक्शन करते हो उसमें जो खर्चा होता है उसको कंट्रोल करो तो भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के कंट्रोल करके प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कम होगा, तो सेम सेल्स होगा फिर भी प्रॉफिट बढ़ सकता है।
तो कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिकली हेल्प्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू कंट्रोल कॉस्ट. ठीक है सर, आपने सीए के पहले किया था सीएमए या उसके बाद? तो मेरे टाइम हमारा बैच ना बहुत ही अनफॉर्चुनेट बैच था. पूछ क्यों? क्योंकि हम लोग जब 11th में आए ना तो इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया. क्या बंद कर दिया? 12th के साथ साथ सीए करना बंद कर दिया कि अभी सीए करना है तो सीधा टीवाई के बाद. और जब हम टीवाई में आए तो उन्होंने वापस स्टार्ट कर दिया. तो वी हैड टू डू सीए आफ्टर डूइंग टीवाई. तभी मेरे पास वो चॉइस नहीं था हमारे बैच को कि वो 12th के साथ साथ सीए कर सके. सो इसलिए मैंने 93 में टीवाई कंप्लीट किया और 96 में मैंने सीए कंप्लीट किया, क्योंकि तब साथ साथ में नहीं होता था. पर तभी साथ साथ में ICWA होता था, तो मैंने आई थिंक डेट भी गलत लिखा है. मैंने 95 लिखा है पर मैं ICWA 94 में हो गया था मैं. तो वो मैंने उसके दो लेवल मैंने टीवाई के साथ साथ क्लियर कर लिए थे. फाइनल का एग्जाम मेरा बाकी था जो मैंने ग्रेजुएशन के बाद दिया. सो आई डिड CMA फर्स्ट एंड देन आई डिड CA. महक, BFM और CFA के बारे में ज्यादा बताओ का क्या मतलब है बेटा? उसमें फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं. आप उसमें कंपनीज को से एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि A लिमिटेड है, B लिमिटेड है, या फिर रिलायंस है और टाटा है, वेयर शुड आई इन्वेस्ट? आई हैव 1 lakh rupees, वेयर शुड आई इन्वेस्ट? तो ये सब एनालिसिस आप करोगे, रिसर्च करोगे कंपनी में कौन सा कंपनी बेटर है, कौन सा कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे हैंडल होता है, सेबी क्या है, फिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में आप वो कोर्स में सीखोगे बेटा. सर, कैन यू गिव सम टिप्स फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हाउ यू बिकम सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट? वंश, आई विल गिव यू, वेट. आर्यन पूछता है व्हाट इज द वर्क ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. गुड क्वेश्चन. देखो हमें यह भी पता होना चाहिए, एक मिनट जरा पानी पी लेता हूं. अच्छा, आपको अपने बारे में तो पता ही होगा, तो आपको ये पता करना चाहिए कि CA हो गया, CS हो गया, CMA हो गया, ये सब ऑफिस में बैठ के काम करने वाली जॉब्स हैं. मतलब आप CA बन जाएंगे तो फिर आप मार्केटिंग का काम नहीं करेंगे, यानी किसी कस्टमर को अप्रोच करना है, सेल्स करना है, ये सब काम आप नहीं करोगे. आप ऑफिस में बैठे बैठे अपनी कंपनी के लिए काम करोगे, तो इट्स अ ऑफिस जॉब. अगर आपको घूमना पसंद है, चार दीवार में बैठ के काम करना पसंद नहीं है, देन CA इज नॉट योर कप ऑफ टी. CMA, CS वो सर आपके लिए काम का नहीं है. फिर आप ऐसे कोई फील्ड वाले, जैसे एग्जाम्पल इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट करिए. अगर आप बहुत टॉकेटिव हैं, यू कैन मेक फ्रेंड्स इजीली, यू कम्युनिकेट वेल, तो आप अभी BMS करिए या मास मीडिया करिए, दो तीन साल ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपनी में जॉब करिए एंड देन डू MBA इन मार्केटिंग. ठीक है, तो आपका क्या इंटरेस्ट एंड व्हाट ट्रिगर्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू, जिसको करते करते आप थकोगे नहीं, वो वाला इंटरेस्ट आपका है, वो डिसाइड करना चाहिए. महक, CA के लिए, CMA के लिए और CS के लिए तीन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं. सो इफ आई नेम देम, लेट मी डू दैट, गिव मी अ मिनट. ICAI, Institute of Chartered Accountants of India.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फिर ICMA, इसका एग्जैक्ट वेबसाइट एड्रेस मुझे नहीं पता है, तो दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICSI, Institute of Company Secretaries of India. अच्छा, by the way, काफी parents या student है ना, ये नाम सुन के नहीं करते हैं, तो company secretary मतलब personal secretary नहीं है, पिक्चर में जो भी हमने देखा है उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, कैबिन के बाहर बैठती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो द वर्ड सेक्रेटरी इज मिसलीडिंग, इट इज अ जॉब रिलेटेड टू हाउ अ कंपनी फंक्शंस. लिमिटेड कंपनी जो होती है वो कैसे फंक्शन करती है, उसके कौन से रूल्स हैं, लॉ है जो उनको एप्लीकेबल होते हैं, वो सब वहां पे सीखते हैं. तो किसी कंपनी को स्टार्ट करना है, उसको रन करना है, उसको बंद करना है, तो वो सब कैसे किया जाता है, लीगल प्रोसेस क्या है, वो हम उसमें सीखते हैं कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में. ओके, सो इट इज नॉट पर्सनल सेक्रेटरी. अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों की तीनों कोर्स करस्पॉन्डेंस कोर्स है. करस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब होता है ये इंस्टीट्यूट ने करिकुलम बना दिया है, करिकुलम उन्होंने बनाया कि ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं. बुक आपको दे दिया, जैसे आप रजिस्टर करते हो आपको बुक आ जाता है घर पे, मतलब आपको खुद पढ़ाई करना है. कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है जहां जाना है रोज सुबह, कोई टीचर नहीं आने वाला है उधर, तो पढ़ाई आपको खुद करना है. यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बचपन से हमको ऐसे आदत डाल दी गई है कि मैं तो तभी पढ़ सकता हूं जब कोई मेरे को बाजू में बैठ के पढ़ाए. हाँ या ना? एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है कॉल्ड स्व अध्याय, स्वाध्याय. स्व अध्याय, स्व मतलब खुद, अध्याय मतलब पढ़ना. तो खुद पढ़ने का जो बात है ना, वो तो गुल हो गया है पूरा, खुद पढ़ ही नहीं सकते हैं. तो और मजे की बात है, ये सारे के सारे कोर्स में खुद ही पढ़ना होता है. जो कोचिंग क्लासेस हैं जैसे कि हम, वो एक सपोर्ट है कि अगर आप ये कोर्सेज कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे पास आइए, हम आपको सिखाते हैं. तो इंस्टीट्यूट के खुद के कोई कॉलेजेस नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वो सिलेबस बनाते हैं और एग्जाम कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये तीन इंस्टीट्यूट है, इनके नाम लिख दिए. और जैसे मैंने बताया था, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है. तीनों इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होने के बाद इनका इंस्टीट्यूट्स का गठन किया गया है. ठीक है, BFM इज अ कोर्स. महक का क्वेश्चन है, BFM और CFA के इंस्टीट्यूट हैं क्या? तो BFM इज अ बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच इज अ मुंबई यूनिवर्सिटी कोर्स. सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू मुंबई यूनिवर्सिटी, वो 12th के बाद कर सकते हैं. और CFA के लिए देयर इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ CFA, आपको गूगल बाबा से मिल जाएगा. हेत भट्ट कहता है बेस्ट कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर BBA इन बोरीवली. तो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दिस हियर, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं, आप चाहिए तो मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको एक दो क्लासेस के नंबर्स भेज सकता हूँ, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं. विच फील्ड टेक्स लेस ईयर टू कंप्लीट विद गुड बेनिफिट्स? लेस ईयर का क्या मतलब है, कितने साल का तेरा टारगेट है वो बता वंश. सर कम से कम साल वाला बताओ ना. कम से कम साल मतलब तो 10th के बाद छोड़ दो पढ़ाई. अरे अरे नो सर, मतलब बहुत कम साल लगना चाहिए और अच्छा बेनिफिट मिले, इससे बोलो.
अच्छा एक कम मतलब कितना, ये तो बोल, 3 4 2 1। सर चार चलेगा, चार सर चलेगा ना, तू बताया ना बेटा सी है, चार कभी, ट्वेल्थ के बाद चार। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम बेटा। ट्वेल्थ के बाद देखो पढ़ाई के एंगल से अगर आप देखो ना, तो कम से कम 15 से 16 साल का पढ़ाई तो हर फील्ड में होगा ही बेटा। तो अभी 10th के बाद कम से कम 5 या 6 साल का पढ़ाई होगा अच्छे बेनिफिट्स के लिए, ठीक है? ओके सर। तो राशि आप जो कह रहे हैं उसका कोई स्पेशल कोर्स होगा मुझे आइडिया नहीं है। सीए बनने के बाद एक फॉरेंसिक ऑडिट करके होता है, तो वो सीए करने के बाद वो आप सीख सकते हो फॉरेंसिक ऑडिट, जहां पे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बारे में सिखाया जाता है। बट एज सच आप फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हो बेटा? यस या सो मे बी फॉरेंसिक ऑडिट एंड एक कोर्स तो भूल गया मैं, नो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, सो आई विल हैव टू फाइंड आउट। यू कैन व्हाट्सएप मी इफ आई गेट द डिटेल्स, आई विल यू नो पास इट ऑन टू यू। ओके सर। हेत, तूने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हेत पूछ रहा है सर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर सी ए स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर अक्टूबर इन माई क्लास, इफ आई कैनॉट क्लियर बी बी ए आफ्टर 12th then can I start preparing for CA? Hello sir, I just completed my 11th and if I want to prepare for entrance exam for BBA from now, is there a possibility for me to clear its entrance exam? अब हेत बाबू, तू जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब मेरे पास है क्या? Entrance exam तू clear करेगा कि नहीं, how do I know? जवाब दे, मैं तो तेरे को मिला भी नहीं हूं पर्सनली। और बेटा इस तरह से लाइफ का डिसीजन नहीं लिया जाता है दैट इफ आई डोंट क्लियर दिस व्हाट शुड आई डू। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और फिर बीबीए ही करिए, क्योंकि आप क्लियर हैं कि आपको बीबीए करना है, फिर बीच में डाइवर्जन क्यों आना चाहिए? एग्जाम्पल अगर आपको सीए करना है तो सीए ही करो, फिर बीबीए के बारे में मत सोचो। नॉर्मली अगर हम होटल में खाना खाना जाते हैं, हमने कोई डिश ऑर्डर कर दिया तो हमारे प्लेट पे, हमारे टेबल पे कोई डिश आ गया, अगर वेटर कोई अच्छा सा डिश ऐसे बाजू में से लेके जाता है तो हम देखते हैं अरे वो कौन सा डिश है, पर भाई तेरे टेबल पे जो आया वो खा तू, तूने ऑर्डर किया है, यू चोज दैट डिश, नाउ डोंट लुक एट द नेबर्स डिश। समझ रहा है हेत? तो तू सीए सोच रहा है तो सीए को ठीक से सोच ले, बीबीए सोच रहा है तो बीबीए को ठीक से सोच ले, ऐसा इफ एंड बट से लाइफ का डिसीजन नहीं हो सकता बेटा, ठीक है? मोर क्लैरिटी के लिए मेरे को इंडिविजुअली कॉल करेगा तो बताऊंगा। राशि सीए प्रिपरेशन, इफ यू आर डूइंग सीए, सीए प्रिपरेशन मैं मेरे क्लासेस में 11th से स्टार्ट कराता हूं, तो 11th में अक्टूबर महीने से हम सीए फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट कर देते हैं, और मेरे क्लास में जनरली बच्चे 11th प्लस 12th प्लस फाउंडेशन के लिए ही ज्वाइन करते हैं जो पहले से क्लियर है कि हमें सीए करना है, तो करीब करीब 2.5 साल वो मेरे साथ रहते हैं, तो हम लोग सीए फाउंडेशन का पढ़ाई 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। 11th में कब? अक्टूबर महीने से। ओके या एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज? हाँ, वंश का क्वेश्चन था टिप्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, थोड़ा इमोशनल कर दिया तूने मेरे को। पूजा, हाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया ना मेरी कोचिंग क्लासेस हैं कांदीवली में, एंड वी टेक ग्रुप ट्यूशंस फॉर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड एंड सीए, ठीक है? 15 से 20 बच्चों का हमारा ग्रुप होता है क्लास में, एंड वी टीच देम
and we make sure that they complete their CA. CA, CMA, CS. Vansh, personal experience, beta, CMA first attempt mein kaise pass hua? तो नंबर वन एट थॉट लेवल मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फेल हो सकता हूँ. तो एनीबडी कोई भी मेरे को पूछता सर आपका सर तो नहीं था, अभी सर नहीं था, बट इफ एनीबडी टेल्स मी आपका पढ़ाई तेरा सपन तेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है, तो मेरा स्टैंडर्ड जवाब होता था कि अपना पढ़ाई झक्कास चल रहा है और अगर मैं पास नहीं होगा तो कौन आएगा बोल. सो दैट वॉज एट माइंड लेवल. एट स्टडीज लेवल मैं कॉन्सेप्ट से ज्यादा पढ़ाई करता था. एज अ टीचर अगर मैं कहूँ ना तो बच्चे हमेशा जो सवाल पूछते हैं वो हाउ ओरिएंटेड सवाल होते हैं, सर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेयर एज इफ यू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो व्हाई वाला जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चन. तो मैं हमेशा कभी भी पढ़ता था तो मैं कॉन्सेप्ट के एंगल से सोचता था. जैसे इनकम टैक्स करके एक लॉ है राइट, तो लॉ जब बच्चे पढ़ते हैं तो अपना दिमाग उसी में डालते हैं कि उसमें क्या लिखा है वो समझने की कोशिश करें. एज अ एंगल फ्रॉम अ स्टूडेंट तो मैं सोचने का नजरिया चेंज कर देता था. मैं सोचता था कि ये अगर गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है तो गवर्नमेंट ने ये क्यों सोचा, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों नहीं सोचा. तो फिर गवर्नमेंट की सोच के बारे में थोड़ा सा आइडिया आता था कि हाँ अच्छा ये कारण हो सकता है उन्होंने ये प्रोविजन रखा है लॉ में. तो दैट हेल्प्ड मी इन क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट. एंड यस डिसिप्लिन से पढ़ाई करता था. आई यूज्ड टू स्टडी ऑलमोस्ट 12 टू 14 आवर्स अ डे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू टेल मी इफ यू आस्क मी, हम लोग फ्रेंड्स लोग साथ में पढ़ाई करते थे और हम लोग फ्रेंड्स लोग साथ में पढ़ाई करते थे. तीन फ्रेंड्स थे हम लोग, तीनों साथ में पढ़ते थे एक घर में बैठ के और तीनों ने साथ में सेम डिग्रीज लिया. तीनों सीए हो गए, तीनों सीएमए भी हो गए और एमकॉम भी हो गए. उसमें से एक दो ने और भी एक दो डिग्री लिया, फिर मैंने नहीं की, मैंने बस कर दिया. बट साथ में पढ़ाई करना वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप स्टडी. हाँ इसीलिए मैंने उस बात पे फोर्स दिया पूजा, कि पूजा कहती है हम ग्रुप स्टडी करते हैं पर मस्ती ज्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने उस बात पे जोर दिया कि हम लोग ग्रुप में पढ़ाई करते थे. हमारा ऐसा रूल था, आई यूज टू स्टे इन गोरेगांव और हमारा ऐसा रूल था कि कोई भी हमें उधर मिलने आएगा ना हमारा कोई और फ्रेंड तो ही हैड टू पे फाइन. एक हमने इडली फंड रखा था, एक डब्बा रखा था. And they were supposed to pay 10 rupees if they come and meet us and waste our time. हमने ऐसा रखा था, दिन में दो टाइम रखे थे, वो टाइम पे आओ तो मजा करेंगे बट पढ़ाई करने के टाइम पे नहीं आने का. तो ऐसे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे. Got that Vansh, thank you. Any other questions anybody? तो कोई भी professional course करो बेटा 12th के बाद, और उसके बाद MBA करना है तो फॉर श्योर आप कर सकते हो, पर डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद MBA के बारे में मत सोचिएगा. अगर सोचें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके कितना डिफिकल्ट है ये समझने के बाद आप कर सकते हो. ठीक है, ये मेरा नंबर तो वैसे है आपके पास, ये हमारे क्लासेस का नंबर है दूसरा. तो एनीथिंग यू कैन गेट इन टच विथ अस. एंड एज आई टोल्ड यू, मैं वेनसडे से डेमो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर 11th स्टैंडर्ड. तो जो कॉमर्स में है, उनको लग रहा है कॉमर्स की जॉइन करना क्लियर है, तो वो हमारे डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकता है. मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन डेमो लेक्चर्स. ये फ्री है एब्सोल्युटली बिकॉज इट इज डेमो. एंड आई विल एज आई टोल्ड यू 15 दिन सिखाऊंगा अकाउंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जैसा बना के. ठीक है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अभी सेमिनार में नहीं थे and if they are interested you can forward to them also, it is absolutely free for everybody. So thank you so much for giving me an opportunity. Thanks Pooja, I got your acknowledgement. And any other question you have, I am ready to answer them. I hope it was helpful and beneficial to you. I poured my heart out in explaining you everything and I wish you all the best in taking a good decision and then sticking to that decision.
ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बेटा, वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम, बाय, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, बाय.